खुशहाल सा बैक 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 पीछे आजा आजा एयरफोन लगता ना एयरफोन ना ब्लूटूथ अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूँ आपका साथ इश्फाक लोन। आज इस ईद के मौके पर हम इस टाइम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास, जहाँ जिसका नाम है टिठवाल क्रॉसिंग ब्रिज के पास हम मौजूद हैं इस टाइम। आपको बताते चलें, आज के ईद के मौके पर यहाँ पे दोनों अफवाज की तरफ से यहाँ पे आज मिठाइयाँ बांटी गई। तो यहाँ पे बड़ी खासकर यहाँ की जो आवाम है, लोग हैं, वो बड़ी खुशी का माहौल है। उनमें से बड़ी खुशी की लहर है कि कम से कम यहाँ पे सीज़ फायर जो वायलेशन हो रही थी, जब से सीज़ फायर वायलेशन को यहाँ पे बंद किया है, तब से यहाँ पे हमारे करना के खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो एरियाज़ हैं उनमें बड़ी शांति है। और हम आपको बताते चलें कि आज इस ईद के मौके पर दोनों अफवाज की तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज की तरफ से, यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो ये मिठाइयाँ बांटी के समय ये पता चलता है कि आपस के जो रिश्ते हैं वो मजबूती की तरफ चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे जाके भी कि इंशाल्लाह अगर इसी तरह हम सीज़ फायर रहा तो आगे भी जाके आप दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो आगे की तरफ जाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सी जो चीज़ें हैं, बहुत सी जो क्राइसिस हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। हाँ, हम आपको बताते चलें कि जो ये साइड में जो एरिया है, जो वो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, जो मैं कैमरा मैन को बताऊँगा कि वो दिखाएगा, जो वो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है। और जहाँ इस टाइम हम खड़े हैं, यहाँ हम हिंदुस्तान में खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज़, बिल्कुल इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ एक ब्रिज का फासला है हम दोनों मुल्कों के दरमियान। तो यहाँ पे इसी ब्रिज के ऊपर, जो जिसका नाम टिठवाल ब्रिज है, यहाँ LOC है, तो जो बताया कि यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे आज दोनों अफवाज की तरफ से यहाँ पे इस ईद की खुशी के मौके पर यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई। हमारे साथ इस टाइम कुछ यहाँ के लोकल्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या रिएक्शन है सीज़ फायर पर। तो जी सर, मैं टिठवाल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे मुल्क को इस ईद के मौके पर ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरे गांव वालों की तरफ से ईद मुबारक। आज यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आर्मी के दरबार पर मिठाई बांटी गई इस खुशी के मौके पर, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे सीज़ फायर पर बात हुई तो माहौल अच्छा बना, लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि अच्छी बात है, पहले सीज़ फायर
पे बात हुई, अब मिठाई बांटी गई। तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में ये दिन खुशहाल रहें, यहाँ पे क्रॉसिंग हो, लोगों का आना जाना रहे, आर पार लोगों का मिलना मिलाना रहे, और ये सीज़ फायर पे भी पूरी तरह से बात हुई है, ये बरकरार रहना चाहिए। हाँ, मेरा नाम ज़मीर अहमद है, टीटवाल का रहने वाला हूँ, टीटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर खड़ा हूँ। आज ईद का दिन है, नहायत ही खुशी का दिन है। आज हमने देखा कि क्रॉसिंग पॉइंट पे दोनों आर्मी के दरमियान मिठाई का एक्सचेंज हुआ, वो देखकर ईद की खुशी दोबाला हो गई। हम चाहते हैं और दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह करे हमेशा ये मिठाई एक्सचेंज होती रहे, गोलाबारी ना हो, अमन रहे, शांति रहे, दोनों मुल्क कुछ छोटे मोटे मसलों पे हो, अगर कुछ मसला हो तो बातचीत से मसला हल करें, ताकि दोनों मुल्क खुशहाल रहें। मेरा नाम फरीद मलिक है, मैं टीटवाल का रहने वाला हूं और मैं यहां अपने गांव में पांचवी हूं। तो बड़ी खुशी हुई कि आज ये जो मिठाई का दिन इधर उधर एक्सचेंज हुआ और आज ईद है और सब लोग बहुत खुश हैं। तो हम सोचते हैं हमेशा ये जो है ये काम ये लगातार रहना चाहिए।